हेलो फ्रेंड, आई एम शिव वर्मा फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, श्री रावतपुरा सरकारी यूनिवर्सिटी रायपुर से। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है रैपिड सेंट फिल्टर। रैपिड सेंट फिल्टर एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस का। फिल्ट्रेशन प्रोसेस में ये यूनिट यूज़ किया जाते हैं। इसके अलावा स्लो सेंट फिल्टर या प्रेशर फिल्टर भी यूज़ करे जाते हैं। स्लो सेंट फिल्टर का रेट ऑफ फिल्ट्रेशन बहुत कम होता है, उसके कंपैरिजन में रैपिड सेंट फिल्टर का जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है वो 30 गुना ज़्यादा होता है या 30 गुना ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये हमारा, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं डायग्राम में, ये हमारा रैपिड सेंट फिल्टर का मेन डायग्राम है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट होते हैं। पहला यूनिट जो होता है वो इनलेट चैम्बर होता है, ये जो आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये वाला यूनिट जो होता है एक इनलेट चैम्बर होता है। यहाँ पर सबसे पहले जो इफ्लुएंट आता है सेडिमेंटेशन टैंक से वो इस पे जमा होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। पहला एलिमेंट जो है या पहला जो चैम्बर होता है वो होता है इनलेट चैम्बर। इनलेट चैम्बर ये वाला पार्ट होता है जिसमें जो सेडिमेंटेशन टैंक से जो पानी ट्रीट होकर आया है वो सबसे पहले यहाँ पर फिल होता है, उसके बाद वो एंटर करता है आपके फ़िल्टर मीडिया पे। ये चैम्बर इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जो फ़िल्टर मीडिया पे वाटर का डिस्चार्ज हो वो कांस्टेंट बना रहे। सेकंड जो इम्पॉर्टेंट यूनिट होता है वो फ़िल्टर मीडिया होता है। फ़िल्टर मीडिया यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, ये वाला जो पार्ट है वो सैंड के लेयर होते हैं जिसको हम लोग फ़िल्टर मीडिया बोलते हैं। फ़िल्टर मीडिया का जो थिकनेस होता है वो 60 से 90 सेंटीमीटर के बीच हो सकते हैं। अब जो थर्ड पार्ट है वो होता है ग्रेवल बेड। ग्रेवल बेड ये वाला पार्ट होता है, इसमें जो थिकनेस प्रोवाइड करते हैं हम लोग वो 60 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर के बीच होता है। ये एक हार्ड सरफेस प्रोवाइड करता है सैंड लेयर को या फिल्टर मीडिया को, ताकि जब पानी ट्रीट होकर जाता रहे या फिल्टर होकर जाता रहे तो उसके साथ में सैंड के पार्टिकल्स साथ में फ्लो ना हो जाए। तो इस चीज़ से रोकने के लिए हम लोग ग्रेवल बेड प्रोवाइड करते हैं। फिर उसके बाद जो हमारा अगला यूनिट होता है ये होता है सेंट्रल और लेटरल ड्रेन। ये वाले जो पाइपलाइन दिख रहे हैं आपको, ये होते हैं सेंट्रल और लेटरल ड्रेन का पाइपलाइन। ये ट्रीटेड वाटर या फिल्टर्ड वाटर को आगे के प्रोसेस के लिए जाने के लिए पाइप ड्रेनेज प्रोवाइड करता है। अब अगला जो यूनिट होता है वो होता है हमारा कंप्रेस्ड और वॉश वाटर स्टोरेज, ये वाला पार्ट। ये दोनों यूनिट बैक वॉशिंग के वक्त काम आते हैं, जब हमारा फिल्टर कर करके चोक हो जाता है, या बोल सकते हैं कि उसमें इतने सारे गंदगी जम जाते हैं कि फिल्ट्रेशन रेट बहुत स्लो हो जाती है, तो उसको वॉश करना पड़ता है, हमारे फ़िल्टर मीडिया को या सैंड को वॉश करना पड़ता है। तो उस टाइम पे ये दोनों यूनिट काम आते हैं। तो अगला जो एलिमेंट है वो है हमारा वॉश वाटर गटर, ये वाला पार्ट। ये वॉश वाटर गटर जो बैक वॉश के बाद गंदा पानी बचता है या जो वेस्ट वाटर बचता है उसको अलग करने के काम आता है। तो आगे देखते हैं हम लोग कि ये रैपिड सेंट फिल्टर वर्क कैसे करता है। इसके वर्किंग के 3 स्टेज होते हैं। पहला होता है फिल्ट्रेशन स्टेज, सेकंड बैक वॉशिंग स्टेज, और थर्ड होता है रीजनरेशन स्टेज, जिसको हम लोग बोल रहे हैं फिल्टर रन टू वेस्ट। इस थर्ड प्रोसेस में हम लोग फिल्टर मीडिया को फिर से नॉर्मल वर्किंग के लिए या फिल्ट्रेशन वर्किंग के लिए रेडी करते हैं। तो पहला हम लोग देख लेते हैं फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन में सबसे पहले हम लोग वॉल नंबर 1 और वॉल नंबर 4 को ओपन करते हैं। जैसे ही वॉल नंबर 1 और वॉल नंबर 4 को ओपन करते हैं तो वॉल नंबर 1 से आपका सेडिमेंटेशन टैंक से जो वाटर ट्रीट होकर आया है वो इनलेट चैम्बर में भरने लगता है। जैसे जैसे भरेगा ये कहाँ जाएगा, आपके फिल्टर मीडिया की तरफ जाएगा और फिल्टर मीडिया से फिल्टर होने लगेगा। इस प्रोसेस में जो टाइम लगता है उसके बाद आपका लेटरल ड्रेन साइड पानी पहुंचता है फिल्टर्ड वाटर, और सेंट्रल ड्रेन के थ्रू वॉल नंबर 4 की तरफ जाता है। जैसे ही वॉल नंबर 4 को अपन ओपन करते हैं तो ये आगे के प्रोसेस के लिए उसको पास कर देते हैं। तो ये होता है हमारा नॉर्मल फिल्ट्रेशन प्रोसेस। इसके बाद जो सेकंड स्टेज है वो होता है बैक वॉशिंग। बैक वॉशिंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जब धीरे धीरे वाटर फिल्टर होने लगता है तो जो सारी गंदगी है वो फ़िल्टर मीडिया में जमने लगती है, और
जो सैंड पार्टिकल्स के बीच के जो गैप है वो चोक होने लगते हैं, जिसकी वजह से जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है वो थोड़ी स्लो हो जाती है और पानी पास नहीं होता है। अब जैसे ही ये चीज़ें बढ़ने लगती हैं, चोक होने लगते हैं, तो उसके बाद हमको क्या करना पड़ता है कि सैंड को साफ़ करना पड़ता है या फिल्टर मीडिया को साफ़ करना पड़ता है। स्लो सैंड फिल्टर में हम इस सैंड साफ़ करने का जो प्रोसेस है वो रैकिंग या फिर स्क्रैचिंग के थ्रू करते हैं, या हम लोग पूरा जो फिल्टर मीडिया का अपर लेयर है उसको चेंज करते हैं, लेकिन इसमें बहुत समय लग जाता है। तो ये समय बचाने के लिए हम इसमें दो और अलग से यूनिट यूज़ करते हैं, कंप्रेस्ड एयर और वॉश वाटर स्टोरेज यूनिट। अब तो बैक वॉशिंग का जो प्रोसेस होता है इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम वॉल नंबर 1 और वॉल नंबर 4 को बंद करते हैं। वॉल नंबर 1 और वॉल नंबर 4 को बंद करने के बाद जो नॉर्मल फिल्ट्रेशन प्रोसेस है वो रुक जाता है। अब उसके बाद जो भी फिल्टर्ड वाटर है वो फिल्टर होते रहता है और उसको हम लोग वॉल नंबर 3 को ओपन करते हैं। वॉल नंबर 3 के थ्रू ये गटर में चला जाता है। इतना होने के बाद में हम वॉल नंबर 2, वॉल नंबर 6 और वॉल नंबर 5, इन तीनों को ओपन करते हैं, जिसके थ्रू हमारा वॉश वाटर स्टोरेज से पानी सेंट्रल ड्रेन के थ्रू आपके फिल्टर मीडिया की तरफ पहुंचता है, सेंट्रल ड्रेन और लेटरल ड्रेन के थ्रू। जैसे ही ये ऊपर की तरफ फ्लो होने लगेगा तो हम इस प्रोसेस में क्या कर रहे हैं कि ग्रेविटी के अगेंस्ट फ्लो करा रहे हैं वाटर को, ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर की तरफ फ्लो करा रहे हैं। तो अपने आप होगा नहीं, इसको एक एडिशनल पुश चाहिए रहेगा या एडिशनल फोर्स चाहिए रहेगा ताकि ये ग्रेविटी के अगेंस्ट फ्लो कर सके। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट फ्लो कराने के लिए हम एक पुश या फोर्स जो प्रोवाइड करते हैं वो कंप्रेस्ड एयर यूनिट के थ्रू करते हैं। कंप्रेस्ड एयर यूनिट के थ्रू हम कंप्रेस्ड एयर हाई प्रेशर पे प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से जो पानी बैक वॉश के लिए यूज़ हो रहा है वो अपर डायरेक्शन में फ़्लो होने लगता है। अब ये जैसे जैसे अपर डायरेक्शन में फ़्लो होगा तो सैंड पार्टिकल्स के बीच में जितनी गंदगी फंसी रहती है या वॉइड्स के बीच में जो पार्टिकल्स फंसे रहते हैं, जो सस्पेंडेड सॉलिड या डिजॉल्व सॉलिड फंसा रहेगा, वो ऊपर ऊपर आने लगता है पानी के साथ में। जैसे जैसे ये ऊपर आने लगता है और फिर ये किस में जाता है, इनलेट चैम्बर की तरफ जाता है। इनलेट चैम्बर में जाने के बाद में ये यूनिट ये पानी जो है ये आपके वॉल नंबर 2 के थ्रू गटर में चला जाता है। अब एक दिक्कत यहाँ पर ये होती है कि जब बैक वॉशिंग हाई प्रेशर से या हाई वेलोसिटी के साथ होता है तो सैंड के पार्टिकल्स भी साथ में ऊपर आने लगते हैं, जो हमको पता है कि अपर लेयर पे सबसे स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। तो स्मॉल पार्टिकल्स को फ्लो कराने के लिए वाटर को कम वेलोसिटी की आवश्यकता होती है। तो जैसे ही ये ऊपर के डायरेक्शन में फ्लो होने लगता है तो साथ में सैंड भी फ्लो होने लगते हैं। तो इसको रोकने के लिए हम यहाँ पर ट्रेंच लगाते हैं, जिसको हम वॉश वाटर थ्रू बोलते हैं। ये जो आपको यूनिट दिखाई दे रहा है ये वाला पार्ट, अब इसमें इसके थ्रू हमारा सैंड जो है वो पानी के साथ में नहीं जा पाता है। जैसे ही ये प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस में 24 से 48 घंटे का समय लगता है, बाद में हम वॉल नंबर 6 और वॉल नंबर 5 को बंद कर देते हैं, लेकिन वॉल नंबर 2 और वॉल नंबर 3 ओपन रहता है। अब वॉल नंबर 2 और वॉल नंबर 3 ओपन है, जिसकी वजह से जितना पानी भी एफ्लुएंट या आपका इनलेट चैम्बर में भरा हुआ है वो गटर में चला जाता है। अब थर्ड जो प्रोसेस है इसमें हम क्या करते हैं, फिल्टर मीडिया को दोबारा फिल्ट्रेशन प्रोसेस के लिए रेडी करते हैं। तो इसमें हम लोगों को सबसे पहले तो वॉल नंबर 2 को बंद करना पड़ेगा ताकि इनलेट चैम्बर में भर सके पानी। अब वॉल नंबर 1 और वॉल नंबर 3 को ओपन करते हैं, वॉल नंबर 4 को ओपन नहीं करेंगे अभी भी। तो वॉल नंबर 1 जैसे ही ओपन करते हैं तो सेडिमेंटेशन टैंक से जो भी पानी आ रहा है वो फिर से क्या होता है, इनलेट चैम्बर पे भरने लगता है। अब इनलेट चैम्बर में भरेगा, उसके बाद ये जाता है फिर से फिल्टर मीडिया के थ्रू और कुछ समय के लिए हम फिल्टर होने देते हैं। इस टाइम पर हमारा जो फिल्टर मीडिया वो सही से बैठा नहीं रहता है या फिर वर्किंग के लिए रेडी नहीं हुआ रहता है, इस वजह से बहुत सारी गंदगी साथ में ही पानी के चले जाती है। तो इसको हम लोग आगे के प्रोसेस के लिए पास नहीं कर सकते हैं। तो ये वॉल नंबर 3 के थ्रू कटर में चला जाता है। कुछ समय के बाद यानी कि 6 घंटे से 8 घंटे के समय के बाद हम वॉल नंबर 3 को बंद कर देते हैं, और वॉल नंबर 4 को ओपन कर देते हैं, और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलते रहती है। अब जैसे ही वॉल नंबर 4 को ओपन करेंगे तो अब हमारा क्या है, फिल्टर मीडिया सही से वर्क करने लगा है। तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस सही से होने लगते हैं, जिसके बाद हमारा जो ट्रीटेड वाटर है या फिल्टर्ड वाटर है वो डिसइन्फेक्शन के लिए पास कर दिया जाता है। ये प्रोसेस लगातार कंटिन्यूसली चलते रहती है और सर्कल में चलते रहती है। हर
एक टाइम के बाद जैसे ही आपका फिल्टर चोक होने लगते हैं तो बैक वॉशिंग की, और साथ में ही हम लोग ये जो फिल्टर बैक वॉशिंग हो रहा है वो हमारा स्टैंड बाई यूनिट पे होता है। जैसे कि हम हमेशा जो जितने भी यूनिट हैं उसमें +1 लेके चलते हैं। जैसे अगर हम 5 यूनिट लगाना चाहते हैं तो एक्चुअली कंस्ट्रक्शन होता है 6 यूनिट का, तो उसमें से 5 यूनिट हमेशा वर्किंग में रहते हैं और 1 यूनिट जो होगा स्टैंड बाई में रहता है। जैसे ही एक फिल्टर चोक होता है और उसको बैक वॉशिंग के लिए यूज़ किया जाता है तो जो स्टैंड बाई यूनिट है उसकी जगह पे वर्क करता है। इस तरीके से आपका रैपिड सेंड फिल्टर वर्क करता है और ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।